चाची के कमरे में ही वो अकेले क्यों बैठे हैं? क्या हो गया? ना मेरी जान, साथ है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। चलो चलो अपने कमरे में चलते हैं। आज रात यहीं गुजारूंगा। ठीक है, मैं और साथ भी हैं यार। कैसा रहना चाहता हूँ यहाँ पे तुम? कहीं जाओ। जाओ। इस वक्त सुबह हो गई है, तुम भी जाग जाओ। मैं तो जाग ही गई हूँ। अंदर आ सकता हूँ? कुछ बात करनी थी जरूरी। आइए। Thank you.
जाएं। اب سے انتقام شروع ساتھ دو گی میرا میں ہاں تم ایک بار پہلے چھوڑ کے جا چکی ہو اگر ایسا پھر کوئی ارادہ ہے تو میرے منہ پہ بول سکتا کرنا کیا ہوگا مجھ سے نہیں کہا نگار کو چھوڑ رہے ہیں نگار کو نہیں چھوڑ سمجھی نہیں تمہیں سمجھاؤں گا نہیں صرف کہوں گا اگر تم نے میری بات مان دی بدلے میں وہ کچھ ملے گا جو ہمیشہ نکال چاہتی تھی مجھ سے تمہیں وہ تیمور ملے گا جو اکیلا یہاں تک لوارث بیوی کو جانے والا میں آپ کے ساتھ ہوں میں جا رہا ہوں ابھی جنید کے پاس جیل میں اس سے ملنے واپسی آتا ہوں تم تیار ہو جاؤ پھر مسجد چلتے ہیں جیل کیوں جا رہے ہو جا کر دیکھوں تمہیں ذرا کون سی انسانیت جا کر اس کے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تم کیسے کہہ سکتی ہو شاید انہوں نے متین کو دیکھ لیا ہو کیا مطلب آپ کے دایا ابو نے اور نگار نے متین کو 15 لاکھ روپے دیا مجھے بھگانے کی اور ان پیسوں کے عوض یہ شرط تھی کہ وہ سیبا کو میسیجز کر رہی ہے اسے کالس کر کے تنگ کرے اور ہماری شادی والے دن اس کے کمرے تک پہنچے اینڈ اسی ٹائم پہ آپ کے تایا ابو جنید کو لے کے وہاں پہنچے سیبا کو اور متین کو ساتھ دیکھو اور اس کا سیبا پہ سے اعتبار اٹھا اور سیبا اس کے اگلے دن صدمے سے پاگل ہو کر مر گئی ترس نہیں آیا اس پر مجھے میری ماں پہ ترس نہیں آیا مجھے آپ پہ ترس نہیں آیا اس پہ کہاں سے آنا کیا چیز ہوتی ہے عورت ذات
देख मुझे पाने के लिए सबको खा गई, एक मुझे छोड़ने के लिए सबको खा गई। प्लीज मुझे माफ कर दे, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी मोहब्बत इतनी तबाही लाएगी। वो मोहब्बत जितनी मुख्तसर सी थी, उस 1.5 साल में फना हो गई। माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। काफी गलतियां तुम्हारी तरफ भी, जब जब मुझे वो वाकई याद आएंगी मेरे मुंह से शायद कुछ तरफ बातें निकली। बर्दाश्त कर सकोगे? साहब मुझे माफ कर, तू ही संग रहना। तुम तैयार हो चुके? मन मोरा लागे नहीं सांवरे, मन मोरा लागे नहीं सांवरे। तेरे इश्क में हम कहीं मर न जाए, पिला दे जहर हम यहीं मर। माजदा, 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 तो इतना टाइम लगाती हो ना, तो ये चादरें जो है ये लोग उठ जाएं तो तय करके रख देना, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तैमूर, मैं ही रखवा रही हूँ सब कुछ। वो इस्लाम में 3 दिन के सोग का हुक्म है ना, तो मजा आता है इस्लाम को ऐसे इस्तेमाल करते हो? इतनी बड़ी ढाल है दीन, उसका नाम इस्तेमाल करो और फिर उसी के पीछे जाके छुप जाओ। इस तंज का क्या मतलब है? शौहर इधर ऐसे बात नहीं करता। नहीं था अब नहीं, अब तो हमारी बेगम बड़ी हो गई है। ये बातें ये डांटे आप बहुत पहले सुनाते तो फर्क पड़ता। ये अब ऐसे ही नहीं सुधरेगी। सही कह रहा है, ये रिश्ता यही निभा रहा है। शुगर कर तू, क्या करें था आपको, अब तो फंस गए। कोई तरीका? साहब जी, कोई हमजा साहब आए हैं। बुलाओ। हमजा, हमजा कौन? क्या वो तुम नहीं पहचानते उसे? जहन में नहीं आ रहा है। अभी देखोगे पहचान जाओगी, पहचान जाओगी। वो वाला हमजा बतूल है? वो वाला हमजा बतूल वाला। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम।
बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी वालिदा का सुन के। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करेगा। आमीन। वो कहते हैं ना, जो लोग अपनी जिंदगी में दोजख देख लें, अल्लाह ताला ने तो वादा किया उनसे जन्नत देने का। ये तायबू हैं। हाँ तायबू। मैं पहचाना नहीं ने। सलाम अलैकुम, ज़फ़र हूँ मैं। तायबू ये अपनी पहचान है। याद करा आपने मुझे बताया था कि ये जुनैद के घर आया था और जुनैद ने गोली चला दी थी और बतूल मर गई थी। मैं चाय लेके। अरे क्या बात कर रही हो तुम, इतनी महंगी मैंने काम वाली रखी है, वो लेकर आएगी। तुम रुको, तुम अम्मी की बहू हो, वसा दो उनको। क्या हुआ था उन्हें इतना अचानक? कुछ नहीं, वो बस उनको बहू लग गई थी। तो ये हाल है उनकी, खुद पर हंसी आती। वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। सोई हुआ है। मैं कल वापस जा रहा हूँ अमेरिका। तुम्हें किस चीज की कमी है यहाँ पर? कुछ सजाएं खुद को भी देनी चाहिए। खुद को तो सजा दे ही रहा है, साथ में मुझे भी सजा दे रहा है। ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैं भी तो उसके मुजरिम हूं ना, सजा तो बनती है मेरी। कहां रह गई माजदा? तुम चाय? अब आगे बताएं। मैं तो माफिया समेटती फिर रही हूँ। शायद किसी तरह भी मेरे बेटे के बेचैन दिल को करार आ जाए, सुकून आ जाए उसे। आपा किस बात का कसूर? आप किस बात की माफी मांग रही हैं? बताएं। मेरा कसूर बनता है, पहले तो मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं थी, बाद में आपके घर से मुझे फोन आया था। छोड़ दो भूखा, छोड़ दो। अब यहां से मत। अब आगे बताएं। इन्होंने मुझे फोन किया था और फोन करके मुझे सलाह दी थी कि इनकार करने का तरीका ये भी है, सारे का सारा बोझ आप लोगों पर आ जाए। मैं अपने बेटे को दिखाने की खातिर यहाँ आप लोग के घर आऊं, आप लोगों से लड़ूं, झगड़ूं, हंगामा करूं, उसके बाद घर जाकर अपने बेटे के सामने ड्रामा करूं कि आप लोगों ने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया है। क्या पागल हो गई है आप? मैंने ऐसा कब कहा? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपको शर्म नहीं आती है? सोग वाले घर में आ रही है, सुमन में झूठ बोल रही है, आपके साथ मेरी क्या दुश्मनी है? अब क्या बोल क्या रही है ये? हंस लो, अच्छी तरह से हंस लो। क्या तुमने मुझे फोन करके कहा नहीं था बतूल के मरने के बाद के मैं अपने बेटे को अमेरिका भेज दूं? क्योंकि तुम्हारा भाई इसके खून का प्यासा हो चुका है, इसकी जिंदगी को खतरा है, और अगर इसकी जिंदगी चाहती हूं तो मैं इसे बाहर भेज दूं। बोलो, तुमने नहीं कहा था ये मुझसे?
वाओ, आप पागल हैं, ये पागल हैं। मैं इनकी पहली दफा शक्ल जब से वो इस घर में आके बदतमीजी करके गई है, पहली दफा शक्ल देखी हूँ। ये याद नहीं है कितनी पागल औरत है, आप बोल क्या रही हैं? तुम ठीक ही कह रहे थे, तुम्हारी माँ को बहू लग गई थी। क्या कहा? आउट, मेरे घर से फौरन इसी वक्त बाहर निकले आप। जी कहीं नहीं जाएंगे। जी मेरे साथ यहीं बैठेंगे, मेरे साथ खाना खाएंगे। मेरी माँ के लिए अफसोस करने वाला हर शख्स मेरे लिए मातबर है। बीवी पे इल्जाम लगा रही है, तुम ही भुगतो फिर। शर्म नहीं आती? ऐसी बातें कर रहे हैं आप, शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे उठिए प्लीज। क्या हो गया था आपको? आपको मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मैं मैंने बस मोहब्बत में ये सब किया, क्योंकि मैं आपसे मन मोरा लागे नहीं सावरे। तैमूर, मैं यहाँ तुम लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा करवाने नहीं आई, मैं तो सिर्फ अपने लिए माफी मांगने आई हूँ। शायद तुम्हारी माफी से मैं अपने शर्मिंदगी के दाग धो सकूं। मैं मुजरिम हूं तुम्हारी, शायद मैं तुम्हारी बीबी के बातों में नहीं आती तो आज बतूल जिंदा होती, शायद आज वो मेरी बहू होती, शायद आज मेरा बेटा खुश होता, उसके दिल को सुकून होता। इन सब की कसूरवार मैं ही तो हूं, सजा मिलनी चाहिए मुझे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, हमजा को बतूल के साथ रेस्टोरेंट में देखना, इस शादी से इनकार करना, तुम्हारी मरहूम वालदा के साथ आकर इस घर में बदतमीजी करना, अपने बेटे से झूठ बोलना, इन सब के पीछे सिर्फ एक नाम जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक नाम, उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर जब आपने मुझे बतूल को देखा था, बतूल ने मुझे बताया था कि भाभी जानती हैं हम दोनों आज वहां पे मिलने वाले हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। सच कह रहे हैं ये? बिल्कुल सच कह रहे हैं। सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब झूठी बोल सकता मैं तेरे साथ? सच बोलूंगा मैं। जुनेद नशा ही बन गया था, नशा ही, हर वक्त नशा, हर वक्त नशा। हुजूर भी नशे में था, बतूल को बुलाया उसने, हाथ में पिस्तौल थी, गोली चल गई, अब बतूल मर गई।
दवा करिए यार, सब तबाह हो गया। गोली चल गई उससे, मर गई बेचारी। मैं मुजरिम हूँ, मैं मुजरिम हूँ तुम सबका, अपनी बच्ची का, बतूल का, जेबा का, अपने बेटे का, सबको तबाह किया मैंने, सब कुछ तबाह किया मैंने। मतलब झूठ नहीं बोल सकता, बता दिया मैंने तुझे सब कुछ। मैं मुजरिम हूँ, मैंने गलत किया सब कुछ। तैमूर बेटे मेरी बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे। निको निको बेटा बुला, निको आजा। सच बोल दिया मैंने, सच बोल दिया, मुझे झूठ नहीं बोला जा रहा। निको जल्दी आ। तैमूर मैडम, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे मुझे, तो मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। वो मैं तेरी माँ का वास्ता दे रहा हूँ तुझे, अपने भाई का वास्ता दे रहा हूँ मरे हुए, माफ कर दे मुझे। एक मिनट से पाँव पड़ रहा हूँ, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे तू मुझे। देख मैं अकेला हो गया तेरे अलावा, और निको के अलावा जिंदगी में आए कौन मेरे, अकेला हो जाओ, छोड़ देना मुझे, माफ कर दे तुझे। मुझे अकेला छोड़ दे, बाहर जा। वो बाहर खामोश भी तो रहा जा सकता था, ये क्या कर दिया? इससे बेहतर हम मर ही जाते, मर क्यों नहीं गए? अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? हमदा को बतूल के साथ रेस्टोरेंट में देखना, इस शादी से इनकार करना, तुम्हारी मरहूम वालदा के साथ आकर इस घर में बदतमीजी करना, अपने बेटे से झूठ बोलना, इन सब के पीछे सिर्फ एक नाम जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक नाम, तुम्हारी बीवी के बातों में नहीं आती तो आज बतूल जिंदा होती। शायद आज वो मेरी बहू होती, शायद आज मेरा बेटा खुश होता, उसके दिल को सुकून होता। रेस्टोरेंट के बाहर जब आपने मुझे बतूल को दिखा था, बतूल ने मुझे बताया था कि भाभी जानती हैं हम दोनों आज वहाँ पे मिलने वाले हैं।
सो गया मैं रात को, नींद आ गई मुझे। पहले मैं कह रहा था मेरी दरखास्त थी तुझसे, तू मुझसे माफी मांग ले, माफी मांग ले मुझसे, माफी मांग। देख तेरे भाई ने भी माफी मांग ली ना, चला गया ना अपनी जिंदगी गुजारने, तू भी माफी मांग ले, नई जिंदगी शुरू कर, माफी मांग के, माफी मांग। ठीक है मैं संभालती हूँ सब कुछ, आप चाहें अभी। अरे बेटा देख तू समझ नहीं रही, डर लग रहा है मुझे तेरे से, मर्द आदमी है तुझे पता, मर्द की जो पकड़ होती है ना शेर से ज्यादा होती है, एक ही बार में चीतड़े कर देगा वो तेरे, मार मुड़ देगा तुझे। एक बड़ी बात सुन, मैं तुझे कह रहा हूँ, तू ऐसा कर, तू से उसकी माँ की कसम ले दे, हाँ माफ कर देगा तुझे, आज नहीं तो कल माफी मांग ले। अच्छा ठीक है मैं मांग लेती हूँ, आप बस समझ जाए। क्या हुआ? वो बेटा वो मैं इससे कह रहा था कि तुझसे माफी मांग ले। आप सारी रात यहीं पे सोते रहे? अरे सोया कहाँ हूँ, सोया कम हूँ, रोया ज्यादा हूँ, ये सोच के कि पता नहीं तू इसे माफ करेगा कि नहीं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, शर्मिंदा कर रहे हैं, मुझे उठे प्लीज। क्या हो गया था आपको? मैं आपको माफ नहीं करूंगा, मैं मजाक उड़ा रहे हैं। मैं खून हूँ आपका, खुदा के वास्ते जैसे शर्मिंदा नहीं करे तो तुझे माफ कर दिया। जाहिर है अबू, मैं माफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे हम लोग तो कम नसीब है, तेरे अंदर भाभी का खून है इसलिए तू भी अजीब है मेरे बच्चे, तेरी माँ की तरह तू भी बहुत अजीब है, तूने माफ कर दिया इसे। बेटे बहुत अजीब है तू। अरे मुझे निकलना है जरा ऑफिस के लिए, मैं निकल जाऊंगा, तू शिपमेंट आनी थी, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा बेटे मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरे से। रिकॉर्ड निकाल के दो मुझे। क्यों किया ऐसा? उसे पूछ रहा हूं क्यों किया ऐसा? तुम्हारे उनके बीच कभी नहीं आई? कहीं थी, आई थी। आपने पहली रात में कह दिया कि बतूल आपकी जान है, आपने कैसे कह दिया मुझे? नहीं नवेली दुल्हन को कहता है कि मेरी बहन मेरी जान है, मुझे तो आपने कभी इतनी जान नहीं कहा। मैं आपकी दुल्हन थी, हालांकि
मेरे लिए तो आप हमेशा से जान से भी ज्यादा अजीज थे, अजीज हैं और अजीज रहेंगे, लेकिन मुझे आपने कभी जान नहीं कहा। मैंने क्या बुरा किया? मैंने आपको भेजा था यूनिवर्सिटी क्योंकि मैं चाहती थी मेरे शोहर को पता चले कि जिस औरत को वो अपनी जान कह रहे हैं उसकी असलियत क्या है। मैंने कोई बुरा तो नहीं किया, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। मैं तो सिर्फ आपकी जान मुझे होना चाहिए था। और डॉक्टर हमजा, उसका इसलिए आपको कहा, मैंने अपने भाई को बचाना था, वो मेरा भाई आप ही तुम बतूर को बचाने के लिए कुछ कह देते ना, मैंने बस मोहब्बत में ये सब किया क्योंकि मैं आपसे प्यार बात कर रही हो गया। अजीबा, उसको तो मैंने एक आंख भी पसंद नहीं किया था, उसको क्यों जलील कर रहा है? जुनैद ने मुझे सब कुछ बता दिया, सब कुछ। जुनैद ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या बदतमीजी की? उस औरत की वजह से, उस दो टके की औरत की वजह से मेरे भाई ने मुझे लंगड़ी कहा। लंगड़ी, आपको अंदाजा नहीं है अपनी बहन को उसने लंगड़ी का कोई कहता है? सारी जिंदगी नगो 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 करता रहा और वो दो टके की औरत, भागी हुई थर्ड क्लास लड़की जो मेरे घर आई, मेरे घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, जो घर मेरा था, और उसने मेरे भाई को मेरे खिलाफ प्रगल लाया। आज तक वो अल्फाज मुझे चुभते, उसने मुझे लकड़ी का, और मर तो गई, बतूल को भी साथ ले गई और जुनैद की जिंदगी भी बर्बाद कर गई, सब उसका कसूर है। मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया, मैं तो सिर्फ बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ प्यार। सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या ये मैनेजर साहब आपने पढ़ा? जी मैंने देखा। इस बच्चे का इतना ब्राइट फ्यूचर था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कम इन, बैठ। जी सर। तैमूर, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इतनी शानदार नौकरी आप छोड़ें? सर, इस शानदार नौकरी के पीछे भागते भागते
शानदार माज दुनिया से चली गई। इसी नौकरी के पीछे भागते भागते वो लवारसों की तरह चली गई। मैं नहीं कर सकता सर नौकरी। I understand. मैं समझता हूँ। तुम्हें एक्चुअली इमोशनल झटका लगा है तैमूर। देखो जज्बात में जो फैसले इंसान करता है उसे आगे जाके बहुत महंगे पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जज्बाती फैसले वाकई आपको नुकसान देते हैं लेकिन सर जिंदगी में अब यही करना है, जीत के दिखाना है। तो तुम ठीक हो ना? जी मैम, मैं ठीक हूँ सर। बस ये डिसाइड कर लिया है सर कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मेरा रेजिग्नेशन तैयार है आपके सामने। अब आपकी मर्जी है, आप लोग साइन करें या नहीं करें, पर मैंने अपना फैसला सुना दिया आपको। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आपके नाम हो मेरे नाम हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? जिस बात से फर्क नहीं पड़ता उसे किसी को बताने की जरूरत क्या? ये मेरे घर की फाइल है। ये आप ले लें, इसे बेच दें, कोई कारोबार शुरू करें अपना। मन मोरा लागे नहीं साबरे।